Praise God. Thank you, Jesus. दादा मराठी मध्ये कोण वाचणार, हिंदी मध्ये कोण वाचणार? हिंदी मराठी दोनों में प्रीचिंग होगा, ठीक है? क्योंकि कोई लोग हैं जिनको मराठी बिल्कुल भी आता नहीं है और कोई लोग हैं जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो दोनों लैंग्वेज में प्रीचिंग करेंगे, ठीक है? प्लीज गॉड वाचिंग, प्लीज गॉड माइक दे दे. प्लीज गॉड हिंदी में कौन पढ़ेगा? अच्छा यहाँ पे इंग्लिश वाले भी कोई है? इंग्लिश भी चाहिए? हाँ इंग्लिश भी चाहिए. प्रेज गॉड. ठीक है, तीनों तीनों लैंग्वेज में करेंगे फिर. प्रेज गॉड. तो हम कल पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले आप प्रभु यीशु का राज्य को ढूंढो, बराबर? अपन काय शिकले काल? पहिल्यांदा प्रभू येशूचा राज्य शोधा, बराबर? पण प्रभू येशूचा राज्य शोधायला आपलं मन होते होते? आणि जर बोललं इकडे रिट्रीट आहे, तुम्ही येणार तर तुम्हाला तुमचं हिलिंग भेटेल, इधर रिट्रीट है, अगर आप आओगे तो आप चंगे हो जाओगे. वी आर कंडक्टिंग अ रिट्रीट हियर, इफ यू कम हियर यू विल गेट हील्ड. अगर ऐसा बोला तो दौड़ के आओगे? आएंगे ना, आएंगे ना. हाँ तो ये क्या है कि प्रभु तू मुझे दे, और दे के प्रभु को क्या बोलते हैं? टाटा बाय बाय बोलते हैं कि नहीं बोलते है? बोलते हैं कि नहीं बोलते है? बोलते हैं. पर एक बार चंगाई हो गई, फिर घर पे जाके क्या हो गया? चंगाई के बाद क्या? वही रोज का मारा मारी, बराबर? प्रेज गॉड. अभी कितने लोगों के पास गाड़ी रहेगा, घर भी है, घर में ऑल्टर्स भी है, बराबर? मेनी ऑफ अस हैव ऑल्टर्स एट आवर होम, वी हैव कार्स, एंड कार्स वी हैव जीसस फोटो, वी हैव द रोजरी हैंगिंग. गाड़ी में जीसस का फोटो रहता है, रोजरी हैंगर रहता है, रोजरी हम डालते हैं मिरर में गाड़ी मध्ये. तीन तीन लैंग्वेजेस, सॉरी. अपन रोजरी पण घालतात, सर्व घालतात, बराबर? आणि जर तो माणूस आता गेला ट्रॅफिकमध्ये, फसला आणि लागला फटका दुसऱ्या गाडीचा, मग काय येणार तोंडाशी? प्रेम नाही? एकही आहे सच्चा माणूस इधर. तुम सबसे क्या आएगा? हम सबसे आएगा ना गुस्सा, आएगा गुस्से के साथ बहुत कुछ आएगा मुंह से, बराबर? हाँ. फिर वो सब बदलना नहीं है, सिर्फ चंगाई चाहिए, सिर्फ क्या बोलते हैं वो, फाइनेंशियल मिरेकल, आर्थिक भरभराहट, फिर रिश्तों में जो दरार आई है उसको वापस भरना, सिर्फ वो ही चाहिए? इसमें प्रभु यीशु किधर है? वो सिर्फ राज्य का चीज है ना, है कि नहीं है? प्रेज गॉड. तो अब हम जाएंगे साम्स स्तोत्र संहिता
23:1, 23 ना 23:1 स्तोत्र संहिता भजन संहिता 23:1। मैं इंग्लिश में पहला पढ़ती हूँ। सो इट सेज द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। हिंदी में यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। ये सिर्फ यहोवा सिर्फ मेरा चरवाहा है, आपका नहीं है। आपका नहीं है, है कि नहीं है? तो बोलो, वापस बोलो। यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। मराठी परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे मला काही उणे पडणार नाही। प्रेज गॉड। ठीक है, तो उधर जो ट्रान्सलेशन है, तिकडे जे ट्रान्सलेशन आहे ते बोलतात मला काही कमी नाही होणार, बरोबर, मुझे कुछ घटी नाही होगी। पर ये जो ट्रान्सलेशन आहे जो इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, KJV it is, if anyone wants the reference, it says, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. मुझे कुछ और नहीं चाहिए। क्या अगर आपको बोला आज या अभी सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ रहना, कितने लोग एकदम से तैयार हो गए? तैयार तो हो गए, एक झटका आया वचन के वजह से, फिर क्या हो गया, टाटा बाय बाय, बराबर। ठीक है, तो जो आज टीचिंग है वो उसके बारे में ही है। मैं क्या चाहता हूँ जे आज टीचिंग आहे ते ह्याच्यावरतीच आहे, का मला काय पाहिजे। म्हणजे मी गरज नाही बोले, हा इच्छा बोलते, इच्छा। गरज पूर्ण करणारा कोण आहे? प्रभू येशू, त्याला आपल्या गरजाचे माहित आहे आहे। मी इच्छावरून बोलते, माझी इच्छा आहे की मी असं असं करू, मी असं असं बनू, मी ह्या जॉबला जाऊ, या शिपवरती जाऊ, माझी ती इच्छा आहे। पण तुमची इच्छा आणि प्रभूची इच्छा सेम आहे का? आय एम टॉकिंग अबाउट वॉन्ट्स, नॉट नीड्स। आय वॉन्ट दिस अँड आय वॉन्ट दॅट, आय वॉन्ट अ बंगलो, आय वॉन्ट अ कार, आय वॉन्ट अ मर्सिडीज बेंझ, आय वॉन्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट डज गॉड वॉन्ट दॅट फॉर यू? दॅट इज व्हॉट आय एम आस्किंग अँड दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू सी अँड लर्न। तो किधर जाएंगे? बिगिनिंग ऑफ टाइम, प्रारंभी। ठीक है, तो जेनेसिस उत्पत्ति में जाएंगे, जेनेसिस चैप्टर 1:6। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 1:6, उत्पत्ति 1:6। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। उत्पत्ति चैप्टर 3 सॉरी सॉरी वर्स 6 थ्री सिक्स हाँ जेनेसिस 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का एक मिनट, मैं ही बोल रही हूँ और किसी को नहीं बोलना है, हिंदी नहीं चाहिए, फिर बंद कर दे हिंदी, बोलो। नहीं आता है,
तीनों लैंग्वेज दोनों बोलेगा तो आएगा। इंग्लिश वालों को हिंदी आता है ना? हाँ तो हिंदी, तो फिर क्यों इंग्लिश मांग रहे हो? प्रेज गॉड, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है इधर। थैंक यू जीसस। ठीक है, फिर हिंदी और मराठी करेंगे। ठीक है, अतः जब स्त्री ने देखा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें, जब उसने उसमें, उसमें से तोड़कर खाया, उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, और उसने भी खाया। प्रेज गॉड। मराठी, त्या त्या झाडाचे, झाडाचे फल खाण्यास, फल खाण्यास चांगले, चांगले दिसण्यात, दिसण्यात मनोहर, मनोहर आणि, आणि शहाणे करण्यास, शहाणे करण्यास इष्ट आहे, इष्ट आहे असे त्या, असे त्या स्त्रीला, स्त्रीला दिसून आले, दिसून आले तेव्हा तिने, तेव्हा तिने त्याचे फल, त्याचे फल काढून, काढून खाल्ले, खाल्ले व, व आपल्या बरोबर, आपल्या बरोबर आपल्या, आपल्या पतीसही, पतीसही ते दिले, ते दिले व त्याने, व त्याने ते खाल्ले, हे खाल्ले। प्रेज गॉड। थँक यू जीसस। तर जेव्हा जेव्हा सर्प तिच्याकडे आले, आला एवाकडे आला, त्याने काय सांगितलं? परमेश्वरने तुला असं सांगितलंय का? आहे की नाही? पर जब सर्प ईव के पास आया तभी क्या पूछा कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बोला है? वो जो है, जो वो क्या कर रहा है, आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये गलत भी हो सकता है। ये क्या होता है? डिसेप्शन, धोखा। ये है धोखा, हेच आहे धोखा। आणि असत्य तर तुम्हाला माहिती आहे, 1 पीटर 2:24, 1 पेत्रुस 2:24 का येशूचे घावाने मी पूर्णपणे बरा झाला आहे, येशु के घाव से मैं संपूर्णपणे चंगे हो गई हूँ। बराबर, आपको पता है। पर आपको आएगा सिम्टम, ये दुखना, वो दुखना, इकड़े दुखणार, तिकडे दुखणार, आणि तो सैतान येईल। खरंच वचन असं सांगते का? तू बरी झालंय, पण बघ बघ, तुला बघ काय झालंय, दुखते, लागते, पडतेस। बराबर है कि नहीं? प्लीज गॉड। तो हम जब भी गोवा गए थे ना, बच्चों को लेके हम गोवा गए थे, ठीक है, रिट्रीट के लिए बच्चों का। वहाँ पे मैं 3 दिन पहले पहुँची, ठीक है, क्योंकि जब ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया था तो हमको लगा सिर्फ 10 जन है, हमको लगा सिर्फ 10 जन रहेंगे। तो परमेश्वर ने घर भी बहुत अच्छे से दे दिया था, 10 लोगों के लिए बहुत काफ़ी था वो घर, ठीक है, हमको लगा था 10 ही आएंगे। जब ही रिट्रीट का डेट पास में आया तभी पता चला 40 लोग रजिस्टर्ड है। मैंने बोला अभी क्या करूँ? प्लीज गॉड, अभी क्या करना है? बराबर। फिर मैं 3 दिन इसलिए जल्दी जा रही थी ताकि साफ सफाई करूँ, पर 3 दिन जल्दी जाना पड़ा क्योंकि मुझे अभी घर ढूंढना है, इनको रखूँ किधर, इतने जन आ रहे, ठीक है। मराठी मैंने पण सांगते, आम्ही रिट्रीट ऑर्गनाइज केली, ठीक है, मुलांसाठी, पोरांना घेऊन गेली। अब नाही, घ्यायच्या आधी मला वाटलं फक्त 10 जण येतील, एवढा एवढा क्राउड नाही येणार। ठीक आहे, जेव्हा रजिस्ट्रेशन बघितलं निघाले 40 लोक। आता मला, माझा प्लॅन ते होता 3 दिवस आधीच जायचा तिकडे, आणि कशासाठी? साफसफाई करायसाठी, जे घर
परमेश्वराने ऑलरेडी दिले त्याच्या साफसफाई करण्यासाठी मला जायचं होतं. पण आता कशासाठी जाते? दुसरं घर बघायला. एक सिस्टर होती तिकडे जे मला हेल्प करत होती, त्यांचून पण खूप फोन केले, इकडे हॉल इकडे घर बघितलं, तिकडे घर बघितलं, विलास बघितले. पण हेच एक प्रॉब्लेम होत होतं की जेव्हा त्यांचून ऐकितलं ना 25 मुलं आहेत, आता पता नाही मग त्यांचा. मी जब गई थी उधर तो हम लोग बहुत विलास देखे, मतलब थे जो सिस्टर थे जो मुझे हेल्प कर रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट से बहुत विलास भी थे, अच्छे अच्छे और फ्री में भी थे. पर जब भी उन्होंने सुना कि 25 बच्चे हैं, उनका कॉल बैक ही नहीं आता था. फिर आया वो दिन, 22-25 पीपल स्टेशन से लेना है, रात का 1 बज गया था. हम लोग स्टेशन पहुंचे और मुझे तभी भी पता नहीं इनको रखूं किधर, तभी भी पता नहीं है रखूं किधर. आम्ही स्टेशनला पोहोचले ज्या दिवस ये लोग आले, आणि त्या टायमाला पण मला माहित नाही ठेवायचं कुठे आहे ना. मी बोलते प्रभू काय करू मी. ती जे सिस्टर होती जिने तिचा घर दिला, तिला विचारला काय करू, ती बोलली तू ने त्यांना तिकडे ॲडजस्ट कर रात्री. तर घेतला, घेऊन गेले. आणि प्रेस गॉड, तेव्हा पण एवढा लगेज होता, देवाने एक मोठी ट्रक होती, ट्रेलर ट्रक, त्याच्यामध्ये सर्व लगेज गेले आणि सर्व सप्पेमध्ये टॅक्सीमध्ये आले लोक. प्रेस गॉड. आणि ते ट्रक पण फ्री, देवाला धन्यवाद. प्रेस गॉड. ते आपण आम्ही तिकडे गेले आणि मला माहीतच नाही आता काय करू. आणि माझ्या पुढे हे लोक पोचले, मेरे आगे वो लोग उधर वो घर पे पहुंच गए, तो अरेंज भी नहीं कर सकते थे. फिर मैं देख रही हूँ गाड़ी में जाते हुए, इधर होटल है, ये होटल है, हाँ इधर इन लोग को रखना पड़ेगा आज रात के लिए कैसे भी. फिर उधर गए, वो हॉलीडे होम्स है तो रो हाउसेस है, उधर गए. फिर वो सिस्टर जिसका घर है उसने बात किया वॉचमैन से, वॉचमैन को पूछा कि और कोई घर है यही यही पे जो रेंट पे दे रहा है हॉलीडे होम्स करके. तो फिर प्रेज गॉड रात के 2 बजे हमको एक नंबर मिला, 2 बजे रात को. ठीक है, मैंने उस नंबर पर कॉल किया, उसने बोला एक नहीं 2 रूम है, मैंने बोला दे दो दे दो. प्रेज गॉड. तो उस समय तक अगर मैं बोलती नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में तो बहुत ख्याल आ रहे थे कैंसिल करूं मत करूं, उनको बोल दूं मत आओ, चढ़ो ही मत ट्रेन में, मेरे मन में तो बहुत ख्याल आ रहा था. क्योंकि रखूं किधर 40 लोगों को, बराबर इतना लोग आ रहे तो. प्रेज गॉड, इनका टेस्टिंग तो हुआ पर रिट्रीट अच्छे से हुआ. प्रेज गॉड, परमेश्वर ने सब संभाल लिया, उसका कार्य है, उसका काम है, उसने सब संभाला, बराबर. प्रेज गॉड. पर मैं अगर हार मान लेती और या फिर मैं वो जो झूठ है उसमें आ जाती तो हो पाता? अगर मैं वो झूठ मान लेती कि कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है, तुमको ही सब करना है, तो रिट्रीट हो पाता? नहीं हो पाता. अगले दिन भी बहुत टेस्टिंग हुआ, पर वो कभी और. पर वही पॉइंट था कि अगर मैं वो झूठ में आकर हाँ बोल देती, हाँ नहीं होने वाला है, तो क्या होता? वचन नहीं मिलता ना लोगों को, वचन नहीं मिलता बच्चों को, वचन नहीं मिलता, बराबर. यहाँ पे जब ईव ने
उस चीज को देखा। इंग्लिश बाइबल बोलता है, मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में, द वुमन वॉज कन्विंस्ड शी सॉ दैट द ट्री वॉज ब्यूटिफुल एंड इट्स फ्रूट लुक डिलिशियस एंड शी वॉन्टेड द विजडम इट वुड गिव हर सो शी टुक सम ऑफ द फ्रूट एंड एट इट देन शी गेव सम टू हर हस्बैंड हु वॉज विथ हर एंड ही एट इट टू। उसको क्या चाहिए था? विजडम। झूठ क्या था? नहीं, झूठ क्या था कि क्या आपको सही में ऐसा बोला है? परमेश्वर को पता है जब आप ये खाओगे ना तो आप उनके तरह बन जाओगे। ते खोटो काय होता, असत्य काय होता, सर्प ने काय सांगितलं ये वाला, खरच तुला प्रभू ने परमेश्वर ने ऐसे सांगितलंय खरच? नाही, जेव्हा तू खाशील ना तुझे डोले उघडतील आणि तू देवा देवासारखी बनशील। ते होता खोट। कशासाठी ते खोट होत? ते खोट कशासाठी होत? हां, yeah, that was not lie. Yeah, yes, correct. You will become, yes, correct, yes, correct. Correct. Praise God. Now, why is that a lie? क्यों वो असत्य है? कशासाठी ते झूठ आहे, असत्य आहे? कारण देवाने आपल्याला त्याचे प्रतिबिंबामध्ये, प्रतिबिंब आहेस ना, प्रतिरूपात, प्रतिबिंब नाही प्रतिरूपात, थँक्यू, प्रतिरूपात बनवलं आहे का नाही? आणि जेव्हा तो आला त्याने काय सांगितलं? तू देवासारखी बनशील। पण तिला माहिती नव्हतं का ती देवासारखीच आहे, हा की ना? प्रेज गॉड। ते सैतान आपल्याकडे कसे येणार? तू आजारी आहेस, तू श्रीमंत नाही, तू गरीब आहेस। पण ते वचन काय बोलते? की येशू गरीब झाला ताकि आम्ही धनवान होऊ शकत, श्रीमंत होऊ शकत। येशू गरीब हुआ ताकि हम श्रीमंत हो सके, बराबर? और उनके घाव से हम पूरे तरह से चंगे हो गए है, त्यांच्या घावाने मी पूर्णपणे बरी झालो झाली आहे, बराबर? पण तो कसं येणार? नाही, हे असं नाही, हे तसं नाही, बराबर? कशासाठी? धोका धोका जेव्हा होते आपल्याला, म्हणजे काय होते, आपण फसतात, बरोबर? हम फस जाते हैं झूठों में, झूठ में, बरोबर? जब ईव फस गई तो उसने सिर्फ, वो अकेले फंसी या दूसरे को भी फंसाई? और उसको फंसा कर हम सबको फंसा गई। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। समझा जो बोला अभी? वो जब भी फसी, ती जब फसली, ती ऐडमला फसली, तीच ऐडमला पण तो पण फसला, तो फसला ते आम्ही सगळे फसले, कारण पाप त्याच्याद्वारे आला ना। प्रेज गॉड, थँक यू जीसस। तो ती काय बोलते? ती काय बोल, तिचा शब्द पण तो रॉंग होता, चुकीचा होता। का? मी जेव्हा टच करेल तेव्हा पण माझा मृत्यू होऊ शकते। देवाने सांगितलंय तू तू टच करेल, स्पर्श करेल, थँक्यू होली स्पिरिट, तेव्हा पण तू, तेव्हा तू मरणार। पण ते बरोबर होतं का चुकीचं होतं? चुकीचं। वो बरोबर था कि जब मैं उसको छूगी तब मर जाओगी, वो सही था, वो गलत था, बराबर?
अभी गलत क्यों था? उसको किसने बोला कि छूना मत? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, नहीं नहीं हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, बाइबल नहीं बोलता एडम ने उसको ऐसा बोला, हमको नहीं पता, पर एडम को जिम्मेदारी दिया है कि तू सबका ध्यान रख, हाँ कि ना? तो अगर एडम ने उसको बोला है कि तू छू मत, तो वो कौन है? एक माध्यम था, बराबर। वचन किसका? प्रभु का। माध्यम बनाया एडम ने, तो ईव के द्वारा एडम फंसा या एडम के द्वारा ईव फंसी? जिनको ज्ञान नहीं वचन का खुद, वो फंसाते हैं लोगों को, समझा? अभी आप इधर आओ, हाँ ब्रदर ऐसा बोल रहा है, सिस्टर ऐसा बोल रहा है, तो हाँ वो सही रहेगा। क्यों भाई, क्यों सही रहना चाहिए? आप वचन से उसको चेक किया, फिर बोलो ना सही है कि नहीं, खुद चेक करो। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, खुद जाके वचन में चेक करो, पवित्र आत्मा से बोलो कि आप पवित्र आत्मा मुझ में ज्यादा है और आप में कम है क्या? ब्रदर गणेश में ज्यादा है और आप में कम है क्या? समान है ना? तो अगर वो मुझसे बोलता है, आपसे नहीं बोल सकता है? बोल सकता है कि नहीं? काय पवित्र आत्मा माझ्या मध्ये जास्ती आणि तुमच्या मध्ये कमी आहे? ब्रदर गणेश मध्ये जास्ती आणि तुमच्यात कमी आहे? नाही ना, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आहे। जर आमच्या बरोबर बोलते, तुमच्या बरोबर पण बोलू शकते, ओके ना? आणि तो बोलते, बोलतेच, खूप बोलते। हा ब्रदर, पवित्र आत्मा खूप बोलते ना, हर समय बोलते ना, हर वक्त पे बोलता है, प्रेज गॉड। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि हमें माध्यम को ढूंढना नहीं है, जो सोर्स है, सोर्स को क्या बोलेंगे? सोर्स, सोच नहीं, नहीं मूल पात्र, जे ओरिजिन, मतलब सोर्स एंड रिसोर्स, माध्यम रिसोर्स डाला ना, क्या बोलते उसको, हाँ मूल पात्र, बराबर है। हाँ आपला मूल पात्र कौन है? सेलिना, ब्रदर गणेश, यीशु, यीशुचा वचन, पवित्र आत्मा, अबाबिता, ते आपला मूल पात्र आहे। मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, आप समझे कि नहीं समझे? सोर्स और रिसोर्स, समझते हैं? प्रेज गॉड। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अगर हाँ एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। अभी वो रिट्रीट के लिए जब भी मैं गई थी, यहाँ से मेरे अकाउंट में कोई पैसा भी नहीं था। रिट्रीट कितना दिन? 8 दिन का, और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, और मैं गई, रिट्रीट है, इधर भी बोल रही हूँ, हाँ सब अरेंज हो गया, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, जा रही हूँ मैं गई। और जब तक ये लोग आए नहीं ना, तब तक पैसा नहीं था, तब तक पैसा नहीं था, नहीं था मेरे अकाउंट में, कुछ नहीं था। फिर पर तो भी मैं बोली, एक तो ये रिट्रीट आपने ऑर्गेनाइज किया है प्रभु, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, तो इसका फंड भी आप ही कर, आपने बोला है कि आपने किया है, तो मैं क्यों उस पर हटूँ, बराबर। तो मेरा जो भरोसा है वो किस पे है? प्रभु यीशु पे। मेरा जो प्रोवाइडर को क्या बोलता है? देने वाला। मेरा जो देने वाला है कौन है? प्रभु परमेश्वर, बराबर। जब भी हम लोग उधर पहुंचे, वो रात को जब भी पहुंचे ना, तभी मेरे अकाउंट में 10,000 आया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उसके बाद वो पूरा रिट्रीट
घर पूरी तरह से स्पॉन्सर, लाइट बिल पूरी तरह से स्पॉन्सर, वाटर बिल पूरी तरह से स्पॉन्सर, खाना पूरी तरह से स्पॉन्सर, सब कुछ पूरी तरह से स्पॉन्सर था। मैंने एक रुपया अपने जेब से नहीं निकाला है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा जो देने वाले जो माध्यम है उनसे नहीं है, मेरा भरोसा अपने परमेश्वर पे है। मराठी मध्ये समजला का बोलू? समजला? माझी हिंदी सिंपल आहे, मला हायफाय हिंदी नाही येत। प्रेज गॉड। तर जेव्हा मी बोलते नाही डॉक्टर मला बरं करणार, तर माझा हे मूल पात्र कोण झालं? डॉक्टर, बरोबर। आणि जर मी कोणाला पण माझा मूल पात्र केलं तर मी काय सांगते? का तू माझा देव आहे। कारण देवाची जागा आम्ही कोणाला देऊ शकतात नाही, आणि जर दिली तर ते बनलं माझा देव। आणि त्या तसे देवाला काय होतात? ते निघून पडून जातात, कारण तो देव आहेच नाही ना। काय आहे? धोका, छल आहे। प्रेज गॉड। अंकल झोपले? अंकल तुम्ही किती डॉक्टर कडे गेले? खूप ना? आणि जे डॉक्टर बोलतोय तसं तसं तुम्ही करत गेले, बरोबर ना? त्या टायमाला आणि जर जेव्हा वचनावरती आले तेव्हा माहिती पडलं ते काही करायला गरज नव्हती। प्रेज गॉड, पडले। प्रेज गॉड। पण जेव्हा पडतात तेव्हाच माहिती पडते देव कोण आहे, त्याची शोध करायला निघतात आम्ही, पावल टाकतात, बरोबर। प्रेज गॉड, थँक यू जीसस। आता एवढा टाइम नाही आहे, पण दुसरा एक वचन आहे, प्रॉडिगल सन। प्रॉडिगल सन को क्या बोलता? उदगा पुत्र, उदगा पुत्र। जो हिंदी में क्या बोलते हैं प्रॉडिगल सन को? दाव, उड़ाओ, उड़ाओ पुत्र। प्रेज गॉड, प्रॉडिगल सन जो गुम गया है उसको। प्रेज गॉड। फिर उसने भी क्या बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। क्यों चाहिए? उड़ाने के लिए। प्रेज गॉड। त्याला कशाला पाहिजे होतं संपत्ती? त्याची मौज मजा करायला। तेव्हा ना एक रूल पण होता, जेव्हा येशू हे बोलते ना तेव्हा एक रूल पण होता, जर तुम्ही जर कोण पण असा पोर आहे आणि आईस आणि बापूसला मम्मी डॅडीला, आईस बापूस मम्मी डॅडीला शीन असं बोलला ना, तो डॅडी त्याला त्याचा नाही स्टोन दगड मारू पण शकते। लॉ आहे ते त्यांचा त्या टायमाला होता, आणि तरी पण येशू बोलते कशासाठी? आता समजा अभी ये समझो, ठीक है, वो जो प्रॉडिगल सन है, जो प्रॉडिगल सन समझता है अभी, उदगा पुत्र, हाँ। प्रेज गॉड। तो वो जो है वो कोई और नहीं, हम ही है। क्या परमेश्वर के पास ये ऑप्शन है कि पूरी की पूरी दुनिया को मिटा दे? है, पाप किया तो वैसे कि वैसे छोड़ के नरक में जाने के लिए वो कर सकता है, छोड़ सकता है? उनके पास ऑप्शन है? ऑप्शन है, पर वो क्या करता है? प्रोडिगल सन के पिता ने क्या किया? माफ किया, उसको वापस ले लिया, एक और चीज किया,
उसके अंग पर क्या डाला? नया वस्त्र। उसके हाथ पर अधिकार का अंगूठी पहनाया। उसके पैर में चप्पल डाला। वो चप्पल क्या है पता है? गॉस्पल ऑफ पीस, सुसमाचार, शांति का सुसमाचार सा चप्पल आए थे। आपण पण भासले होतो, आपण पण, हम भी घूम गए थे, पर जब हम प्रभु परमेश्वर के पास आए, माफी मांगा, तब उन्होंने क्या किया? वो जो पुराना वस्त्र है, जब ही हमने बोला कि यीशु क्रिस्त को हम प्रभु मानते हैं, तब क्या किया? वो जो पुराना वस्त्र, पुराना वस्त्र मतलब हमारा पुराना जो नेचर है, स्वभाव है, उसको निकाला, उसको निकाला भी नहीं, उसके ऊपर ही डाला, बराबर। और जब ये ऊपर डाला वस्त्र, उसके गंदे कपड़ों पर भी डाला ना, निकाला क्या? यीशु बोलता है कि तू साफ हो जा, फिर मेरे पास आ जा। तो वो पुराना वस्त्र पहनेगा या नया? तो पर उसको वो उठा के खुद पहनना पड़ता है ना, हाँ कि ना? अभी प्रभु यीशु ने आपको पवित्र आत्मा तो दिया है, पर उससे बातें करना, उससे बोलना, उससे उसके उसके उसका आवाज सुनकर वैसे चलना, वो क्या, वो कौन करेगा? हमको ही करना पड़े ना। प्रेम में चलने के लिए वचन बोलता है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कन्विक्ट को क्या बोलता है? कन्विक्ट तो प्रेरणा दे, तो बराबर वो प्रेरित करता है अंदर से कि प्रेम से चलो। पर वो प्रेम से चलने का जो क्या बोलता है, चॉइस को क्या बोलते हैं, निर्णय, जो निर्णय है वो कौन करेगा? हम ही कर रहे हैं ना, हमको ही करना है, प्रेज गॉड। अगर हमको वो ऑप्शन ही नहीं रहता, या फिर हमको वो फ्री विल चॉइस नहीं रहता, निर्णय करने का अधिकार नहीं रहता, तो हम क्या बन जाते? रोबोट। रोबोट का देखा है अपना खुद का निर्णय लेते हुए? देखा है? नहीं ना, वो चलता है किसी के इशारों पे। क्या परमेश्वर हमको अपने इशारों पे चलाता है? नहीं ना, वो हमको क्या बोलता है? हाँ, खुद निर्णय लेने की शक्ति दी है, बराबर, प्रेज गॉड। तो हाँ, वही पे थी कि परमेश्वर को ये सब करने का जरूरत तो नहीं है, पर क्यों करता है? हमको मिटा भी दे सकता है, तो फिर क्यों प्रभु यीशु आके हमारे लिए मरा? क्योंकि वो ही तो वो सिखा रहा है कि, ठीक है, प्रेज गॉड, वचन से बढ़ गया। लुका का सुसमाचार 14वां अध्याय वचन 26 और 27, प्रेज गॉड। लुक चे पुस्तक, लुकस बोलता है ना, लुक चे पुस्तक 14वां अध्याय वचन 26 आणि 27, प्रेज गॉड। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों, और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, और भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। तो क्या हम सब
यीशु के शिष्य है, है एक ही है, आप ही हो, कोई नहीं है, है कि नहीं है? तो फिर छोड़ो घर बार सब दुनिया संसार, छोड़ो, जाओ यीशु के कार्य के पीछे। ऐसे बोला है क्या? क्या बोल रहे है? सब छोड़ने नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे कि अगर आपने उनको, उनसे मुझसे ज्यादा प्यार किया है तो वो मत करो। प्रेज गॉड। एग्जाम्पल, अभी मैंने मेरे हस्बैंड को परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेम किया, बराबर। फिर हम लोग के बीच में हुआ झगड़ा, झगड़ा हुआ, तकरार हुआ, बराबर। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं उससे वो प्रेम मांग रही थी जो उसके पास है ही नहीं। मैं मेरे हस्बैंड से वो प्रेम मांग रही थी, मैं मेरे पति से वो प्रेम मांग रही थी जो उसके पास है ही नहीं। वो परफेक्ट है? नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ? नहीं हूँ। और हमारे में तो ईश्वरीय प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रेज गॉड। हमको पता ही नहीं था क्या होता है ईश्वरीय प्रेम। प्रेज गॉड। तो मैंने उनको क्या बनाया? पति को देव बनाया, बराबर। पर पति देव नहीं होता है, पति पति होता है, इंसान है, बराबर। प्रेज गॉड। परमेश्वर का जगह मैंने उनको दे दिया। अभी आप किसको परमेश्वर का जगह दे रहे हो? तुम्ही कोणाला परमेश्वराची जागा देत आहे? तुमच्या धंद्याला, कारोबारला, घराला, पोरांना, हस्बंडला, नवऱ्याला, कोणाला तुम्ही फर्स्ट ठेवला आहे? तुमचा स्वतःचा उद्धारला, तुमच्या आरोग्यशीन चंगाई, चंगाई को आपने अगर पहला रखा है, क्या बोलते आरोग्य, तुमच्या आरोग्याला तुम्ही पहिला ठेवत आहे, तर आम्ही रिट्रीटला येत आहे कशासाठी? कारण मला हिलिंग पाहिजे, मला वचन नको, मला प्रभू नको, मला कोण नको, मला हिलिंग पाहिजे। ह्या ठिकाणी जातील, त्या ठिकाणी जातील, पैशाचा एवढा प्रॉब्लेम आहे, हा हे ब्रदर हात ठेवणार ना ते होणारच। प्रेज गॉड। फादर झकरिया त्यांना बोलतात कॅन्सर किलर। तुम्ही बघा जेव्हा ते येतात इकडे क्राऊड कसं असतंय, ते लोक कशासाठी येतात? फादर झकरिया हात ठेवणार मग आम्ही बरे होते। पण तो हात ठेवते तो काय करते? तो वचन बोलविते, 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 कशासाठी? कारण त्या माणसाला देव कोण आहे ते त्यांना स्वतःला माहिती पडायला पाहिजे। आणि त्यांच्या देवावरती जेव्हा विश्वास येतं, तेच विश्वास त्यांच्या जीवनात कार्य करतात। हिंदी में समझा या समझाओ? प्रेज गॉड। अभी फादर झकरिया जब भी, हाँ मैंने मुंह देखा, प्रेज गॉड। जब भी फादर झकरिया यहाँ पे आते हैं तभी आपको भीड़ देखना चाहिए, कितना लोग आता है। क्यों? क्योंकि उनको बुलाते हैं कैंसर किलर, कैंसर को मारने वाले, बराबर। पर उनका हथियार क्या है मारने का? दवाई से मारते हैं, वचन से मारते हैं, बराबर। तो वो जब भी आते हैं तो वो क्या करते हैं? हाथ देकर, हाँ तुम हो गए ठीक, वो आपके साथ बैठेंगे और वचन दोहराएंगे, दोहराएंगे, दोहराएंगे। क्यों दोहराएंगे? क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने और प्रभु का वचन सुनने से आता है, बराबर। प्रभु के वचन पे विश्वास, प्रभु का वचन सुनने से ही आता है, बराबर। तो वो क्या चाहता है कि आप खुद प्रभु पर इतना विश्वास, इतना निर्भर हो जाओ कि किसी और का जरूरत ही नहीं पड़े। उनको आपसे थैंक यू का भी अपेक्षा नहीं है,
उल्टा अगर आप परमेश्वर के रास्ते पे चलने लगोगे ना, तो आप वो आपको थैंक यू बोलेंगे, प्रेज गॉड। और वो ही है। तो यीशु क्या बोल रहा है, हिंदी मध्ये वाचला ना, मराठी मध्ये नाही वाचला ना, मराठी मध्ये वाचा, प्रेज गॉड। जर कोणी माझ्याकडे येईल पण आपला बाप आई बायको मुले भाऊ व बहिणी यांचा आणि आपल्या जीवाचाही द्वेष करणार नाही तर त्याला माझा शिष्य होता येणार नाही। जो कोणी स्वतःचा पदस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येत नाही त्याला माझा शिष्य होता येत नाही। प्रेज गॉड, थँक यू जीसस। ज्याला वधस्तंभ घेत येत नाही तो माझा शिष्य होत नाही। क्रूस घेणं म्हणजे काय, आपला क्रूस घेणं म्हणजे काय, आपला स्वतःचा क्रूस घेणं म्हणजे काय, अपना खुद का क्रॉस उठाना मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेज गॉड। तो दो उनको, यीशु का क्रॉस दे दो, देखते हैं कैलवरी चढ़ पाता है कि नहीं, प्रेज गॉड। नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रूस को उठाना आसान नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बाय प्रोडक्ट रहता है, वो अपने आप हो जाता है। क्रूस उठाना मतलब खुद को मारना। कल हम लोग ने गलेशियन 2:20 भी देखा, गलती करस 2:20 बराबर, क्या बोलता है त्याच्या मध्ये, मेरे को मराठी में नहीं आता, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ पहला, देन आई विल ट्रांसलेट, ओके। आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, येट इट्स नॉट आई हू लिव बट इट इज क्राइस्ट हू लिव्स इन मी, द लाइफ दैट आई नाउ लिव आई लिव बाय द फेथ इन द सन ऑफ गॉड हू डाइड एंड रोज अगेन फॉर मेनी, प्रेज गॉड। मी येशू बरोबर मेली आहे, तरी पण हे जे जीवन आहे मी जगत नाही, पण येशू ख्रिस्त माझ्याद्वारा जगत आहे, आणि हे जीवन जे मी आज जगत आहे, मी हे प्रभु परमेश्वरवरती विश्वास करून जगत आहे। थँक यू, प्रेज गॉड। हिंदी में, मैं यीशु के साथ क्रूस पे मर चुकी हूँ, तो भी ये जो जीवन है वो मैं नहीं जी रही हूँ, पर प्रभु यीशु मेरे द्वारा जी रहे हैं, और ये जिंदगी जो मैं अभी जी रही हूँ, मैं प्रभु यीशु में अपना विश्वास बनाकर जी रही हूँ या रखकर जी रही हूँ, बराबर, प्रेज गॉड। समझा कि फंस गया, किन किन को नहीं समझा, हाथ उठाओ, समझा नहीं समझा, नहीं समझा तो वापस समझाएंगे, नो प्रॉब्लम, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जब भी ऐसा टॉपिक आता है ना, खुद को मारने वाला, तभी लाइट चला जाता है, नींद आने लगती है, भूख लगने लगता है, प्रेज गॉड, मेरा तो भूख ही गया, थैंक यू जीसस। तो क्रूस उठाना मतलब खुद को मारना, जो मेरा इच्छा है अभी, प्रेज गॉड। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हम लोग गए थे उधर, पॉकेट में पैसा नहीं और जगह नहीं लोगों को रखने के लिए, तो मेरा पूरा का पूरा शरीर, इमोशंस, भावना, सब कुछ बोल रहा है छोड़ दे, कैंसिल कर दे, नहीं होने वाला है, सब कुछ बोल रहा है। तो मेरा चाहत क्या है, नहीं
कैंसल कर दे, मेरा चाहत है वो नहीं कैंसल कर दे, बराबर मेरा शरीर मेरा सोल, सोल को क्या बोलते हैं, जीव एंड स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा ना, आत्मा नहीं जीव प्राण, हाँ जो प्राण है वो क्या बोल रहा है फ्लैश, वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं कैंसिल कर दे, तू कैसा संभालेगी, नहीं हो पाएगा तेरे से, बराबर। पर मैंने क्या बोला अपने आप को, मेरे को उससे पहला अपने आप को बोलने का जरूरत भी नहीं है, प्रभु परमेश्वर खुद आपको वचन देता है, उसको ही आपको बोलना है। और मुझे ये वचन दिया था कि मनुष्य के साथ ये असंभव है, पर परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मानसा बराबर हे असंभव आहे, असंभव बोलते हैं मराठी मध्ये, अशक्य, अशक्य आहे, पण परमेश्वर बराबर सर्व काय शक्य आहे। मी तेच बोलले, तेच बोलले, तेच बोलले, आजेशी नाही होणार, तू करणार आहे, तुझेशी सगळं काय होणार, आणि तुम्ही केलं आहे आणि तेच झालं। प्रेज गॉड। हम लोग जो घर में रहे ना उसके बाद वो ही ओरिजिनल, मतलब हम लोग देख रहे थे पर वो घर का चाबी नहीं था हमारे पास, प्रेज गॉड, वो घर का चाबी नहीं था जो बाद में घर में रहे हम। और मैं तो वो घर में गई है पर ब्रदर गणेश नहीं गए थे और उनको नहीं पता, वो एक घर में चार दरवाजे हैं, तो उनको पवित्र आत्मा ने बोला जाओ दूसरी तरफ जाओ। फिर जाके देखा, फिर उनको लगा कि खुल सकता है, हाँ कि नहीं ब्रदर, खुल सकता है बराबर। वो लग गए, सिर्फ एक ठक ठक किया, दरवाजा खुला, प्रेज गॉड। और हम लोग रास्ते में कितने बार रुके, ये ताली वाले, ताले वाले को, ये चाबी वाले को, ये कारपेंटर को लेके जाने के, कोई आने के लिए तैयारी नहीं, तैयारी नहीं है कोई। और जो आया उसने बोला कि नहीं मैं खुद नहीं आऊंगा, आपको मुझे लेना पड़ेगा आके। और हम लोग गाड़ी में फूल थे, जगह नहीं था, तू थी ना, हाँ जगह नहीं था, कितने बार रुके, पर ये परमेश्वर का योजना क्या है, उसने हमें बोला कि जो दरवाजा मैं खोलता हूँ वो कोई भी नहीं बंद कर सकता, और जो मैं बंद करता हूँ वो कोई भी नहीं खोल सकता। प्रेज गॉड। तो हमारे लिए दरवाजा किसने खोला, प्रभु यीशु ने। हमारे लिए जगह किसने रखी ऑलरेडी, वो नया घर है, देखा ना आपने, वो जो लोग उधर रहते हैं ना हार्डली 4 या 6 महीने उधर रहे हैं और गए बाहर देश, वो रहे भी नहीं वो घर में, नया का नया घर, प्रेज गॉड। और लोग मेरे को बोल रहे थे कैसा था घर, महल जैसा था ना, प्रेज गॉड। तभी वो कार्य करता है, तभी हमको कोई टेंशन लेना का लेने की जरूरत है नहीं है, बराबर, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो मुझे कुछ पॉइंट्स तो देना है पर समझा पाओगी कि नहीं वो नहीं पता। एक स्क्रिप्चर लेते हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 1 जॉन, जॉन सा पहला पत्र, जॉनस ना, योहान, योहान सा पहला पत्र 2:16 1 जॉन 2:16, योहान का पहला पत्र 2:16, एक योहान, एक योहान पहला पत्र, एक योहान तीच, एक योहान 2:16, एक योहान 2:16, प्लीज कर, पहला योहाना 2:16, हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, परंतु संसार की ओर से है।
मराठीत कारण कारण जगात जगात जे सर्व आहे आहे ते म्हणजे देहाची वासना देहाची वासना डोळ्यांची वासना डोळ्यांची वासना व संसाराविषयीची फुशारकी फुशारकी ही पित्यापासून पित्यापासून नाहीत नाही तर तर जगापासून जगापासून आहेत आहे. प्लीज गॉड. ते हे काय आहे शरीराची वासना तेच होतं लस्ट ऑफ फ्लेश देहाची वासना. प्लीज गॉड देहाची वासना. आता आणि डोळ्याची वासना बरोबर जो मोह है आँखों का मोह छल वहां से ही होता है और आपके लस्ट ऑफ फ्लैश को क्या लिखा है उधर शरीर के अभिलाषा शरीर के जो अभिलाषा है बराबर. अभी आँखों का जो अभिलाषा है वो कहाँ पे देखा ईव को हुआ उसने देखा और उसको वो इच्छा हुई कि अगर मैं ये खाऊं तो मुझे और ज्यादा ज्ञान मिलेगा ज्ञान नहीं विजडम को क्या बोलते हैं बुद्धि शानपण शानपण ती अजून शानी होल. प्लीज गॉड थैंक यू जीसस बराबर. तो उसको क्या हुआ उसके अंदर क्या आया जो इच्छा था उसने क्या किया उसको मोह में डाल दिया उसको मराठी मतलब क्या बोलता है मोहस ना मोहात घातला का तू जर हे खाशील तुला हे तो तिला डोळ्याचा मोह बरोबर डोळ्याद्वारे मोह आला. दुसरा जो हे प्रॉडिगल सन त्याला कोणा कसला मोह कुठून आला पैशातून. आता वचन हे बोलते का पैसे पैसे बरे नाही पैसे बरे नाही वचन हे बोलते पैशाचं प्रेम बरं नाही स्पिरिट ऑफ मॅमन बरोबर. ते हे प्रॉडिगल सन मध्ये होता बरोबर आणि त्याला पवित्र आत्मा चालवत होता. हाय हम लोग तो गाते भी है ना हालेलुया हालेलुया येशु चलाता है जीवन की गाड़ी. सही में चलाता है चलाता है कि आपकी गाड़ी. प्रेज गॉड क्योंकि वही वचन वही बोल रहा है कि अगर वो गाड़ी पैसों को पाने के लिए अपने चंगाई पाने के लिए वहां पे चल रही है ना तो यीशु के द्वारा है ही नहीं. क्यों क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी दे दिया ना सब कुछ तो दे ही दिया. प्रेज गॉड थैंक यू जीसस. तो मुझे कुछ पॉइंट्स तो देना था पर देखते हैं अगर कल होता है तो कल कंटिन्यू कर लेंगे. पर आज वही करना था कि अगर हमको यीशु का शिष्य बनना है यीशु को यीशु के वचनों द्वारा चलना है तो वचन आपको हर समय पे चैलेंज करता ही रहेगा कि आपके जो इच्छाएं हैं उसको आप समर्पण करो. ऐसा नहीं कि यीशु को आपका इच्छा का कदर नहीं कि आपको वो नहीं देना चाहता है ऐसा नहीं. अब अगर फॉर एग्जाम्पल सोचो एग्जाम्पल क्यों प्रोडिगल सन के बारे में ही देखता है बराबर. उसको पैसों को संभालने का समझ था नहीं. उसको बिजनेस करने का समझ था या फिर इन्वेस्ट करने का समझ था नहीं बराबर. किसी चीज का समझ नहीं था उसको सिर्फ उसका मन उसका जो फ्लैश है उसका जो फ्लैश को क्या बोलते हैं देह शरीर जो है उसको वो सेटिस्फाई करना था. उसको सेटिस्फाई को क्या बोलते हैं समाधान करवाना था बराबर. और जाके सब चीजों पे उड़ाया बराबर.
उसका वो वक्त था, अगर समझो एक 2 साल के बच्चे को स्क्रू ड्राइवर दिया और उसको बोला कंप्यूटर खोल, उसको ठीक कर, कर पाएगा? खराब कर देगा ना। अगर आपको समय से पहले कुछ दे दिया, शिक्षण के पहले कुछ दे दिया, तो आप संभाल पाओगे? आपका प्रभु परमेश्वर पर भरोसा होने से पहले अगर कुछ दे दिया, तो आप प्रभु परमेश्वर से ही बाहर दूर नहीं हो जाओगे? हुआ ना प्रोडिगल सन, उसको मिला उसको जो चाहिए था, पर अपने पिता से दूर हो गया वो। तो आपको ज्यादा क्या चाहिए, अपना आपका पिता चाहिए या पिता जो चीजें देता है वो चाहिए? मुझे नहीं पता, वो आपके और पवित्र आत्मा के बीच में। तो प्रेज गॉड, कौन करेगा क्लोजिंग प्रेयर? थैंक यू जीसस। आ जाओ कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी मराठी, नो प्रॉब्लम। कौन करेगा क्लोजिंग प्रेयर जो आज सीखा उस पे? कम ज्वेल, कम, रुक, रायन क्लोजिंग प्रेयर, कम कम। God. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your love, O Lord Jesus. Thank you for your love that you shed on the cross 2024 years ago. Lord, we thank you and we praise you. Help us to overcome our trials, O Lord. Help us to walk with your word. Holy Spirit, guide and protect us. Be with us. I make this prayer in the name of Jesus Christ. Amen.